हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको लेके चलते हैं असम की गुवाहाटी में स्थित एक ऐसे मंदिर, एक ऐसे शिवालय के दर्शन कराने के लिए जो स्थित है विश्व के सबसे छोटी आइलैंडर पर। तो हम आपको लेके चलते हैं उमानंद मंदिर, भगवान शिव के शिवालय में दर्शन कराने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं। इसके लिए आप मान लीजिए आप गुवाहाटी आते हैं या कामाख्या माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कामाख्या माँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मपुत्र नदी के टापू पर पहुंचना पड़ेगा, एक घाट पर पहुंचना पड़ेगा, जहां से आपको फेरी मिल जाएगी और फेरी आपको ले की जाएगी उस आइलैंड पर जहाँ पर भगवान का शिवालय है, जहाँ पर भगवान उमानंद पर्वत पर विराजमान है। वहां पर पहुंचने के बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट फेरी दोनों मिल जाएगी, और गवर्नमेंट फेरी से अगर आप जाते हैं तो एक व्यक्ति का किराया 40 रुपए है, और अगर आप प्राइवेट फेरी अगर आप लेते हैं तो एक व्यक्ति का किराया 100 से 150 रुपए आपको ले लिया जाता है। सेफ्टी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप गवर्नमेंट फेरी से अपनी यात्रा करें। तो आप देखिए सामने ये एक ब्रह्मपुत्र नदी है और हम आ चुके हैं फेरी में, और अभी हम जाएंगे फेरी से उस आइलैंड पर जहां पर भगवान शिव का शिवालय है। इस शिवालय का बहुत बड़ा महत्व है, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। दंत कथाओं के अनुसार यहां पर भगवान शिव जब अपनी तपस्या में लीन थे ब्रह्मपुत्र की नदी के बीचों बीच, उस समय काम देव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक बाण चलाया, और जिससे उनका तपस्या भंग हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, ये वही टापू है, वही पर्वत है, और ये चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना हुआ है, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो अभी हम चल रहे हैं, हमारी फेरी चल चुकी है, और जा रहे हैं हम उस अद्भुत अलौकिक दिव्यतम भव्यतम भगवान शिव के शिवालय के दर्शन करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो बहुत ज़्यादा अलौकिक है, दिव्यतम है और भव्यतम है। तो ये देखिए आप सामने ब्रह्मपुत्र नदी का अलौकिक दृश्य था, और अभी हम फेरी से उतर करके उमानंद पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सामने आप जब उतरेंगे आप फेरी से, तो लगभग आपको 50 से 60 के लगभग सीढ़ियां देखने को आपको मिलेंगी, और उन सीढ़ियों को आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप भगवान शिव के शिवालय के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। तो इस पर्वत का ऐतिहासिक महत्व भी है। एक तो ये विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है, रिहायशी आइलैंड है, मतलब जहाँ पर आबादी रहती है विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है, और दूसरा ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के महत्वपूर्ण स्थानों में से भी ये एक है। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं भगवान शिव के शिवालय के दर्शन करने के लिए। ये एक टापू और पहाड़ी पर स्थित है जैसा कि हमने बताया। उमानंद इसका नाम स्थानीय लोगों के अनुसार इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती यहाँ भगवान शिव के साथ आनंद के साथ रहती हैं, आनंद के साथ समय बिताती हैं। अभी भी लोगों की मान्यता है कि लोगों की आस्था है कि भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर अपने कुछ मधुर समय बिताते हैं, इसीलिए इसको उमानंद कहते हैं, उमानंद पर्वत कहते हैं, उमानंद इस जगह स्थान को कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे आप जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको पूजा सामग्री और आप अपने जूता चप्पल वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ से आपको पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करने के लिए मिल जाएगी। और ये पूजा सामग्री लगभग एक
जो पूजा सामग्री है वो 50 रुपये से लेकर के और आप 250-300 तक आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ जूता चप्पल भी अपना खोलना है। ये देखिए यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहां से आप पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। ये देखिए सामने भगवान उमानंद का मंदिर है, और ये मंदिर अपने में छोटे छोटे मंदिरों को समाहित किए हुए है। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो यहाँ बन गए हैं और जहां पर भगवान शंकर विराजमान हैं। ये देखिए यहां पर एक श्राइन बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ आपको प्राकृतिक और हरियाली भरा वातावरण आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक आइलैंड है, तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। नॉर्मली जो यहाँ आने का समय है वो सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम को 4 बजे तक सर्दियों के समय पे, और शाम को 6 बजे तक गर्मियों के समय पर ये खुला रहता है। लेकिन दर्शनों का जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक सर्दियों में, और सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक गर्मियों में आपको आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर हम आ चुके हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है। मोबाइल तो आप ले जा सकते हैं लेकिन फोटो लेना मना था। तो हमने भगवान शिवालय भोलेनाथ के दर्शन किए और उसके बाद हम वापस आ गए हैं हमारी फेरी पर। और एक फेरी जो 40 रुपये में है वो आपको लेके जाएगी और वापस लेके आएगी, तो डबल साइड का किराया है 40 रुपये। तो इस तरह से हमने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और इस ऐतिहासिक जगह पर आकर के हम अपने आप को गौरवान्वित, प्रफुल्लित और भक्तिमय वातावरण के साथ महसूस कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।